आज हम बनाएंगे होटल से भी ज़्यादा टेस्टी स्वादिष्ट मटर पनीर की ग्रेवी। बनने के बाद आप अपनी उंगली चाटते रह जाओगे, इतनी स्वादिष्ट बनी है। है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं मटर पनीर। तो यहाँ पर प्यूरी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 4 छोटे टमाटर ली हूँ। देसी नहीं लेना है आपको, नॉर्मल वाला लेना है। मैं जो ली हूँ देसी टमाटर, ज़्यादा खट्टा नहीं है, आप नॉर्मल वाला टमाटर लेना। फिर 2 ऑनियन और 11-15 लहसुन की कली, आधा इंच अदरक ली हूँ, 2 हरी मिर्च और थोड़े से धनिया पत्ता और 200 ग्राम पनीर ली हूँ। अब गैस पर कढ़ाई बैठा देंगे और 1 टेबलस्पून ऑयल डालकर, ये सब गर्म होने के बाद ऑयल, ये सारा सब पनीर डालकर इसे हल्का ब्राउन होने तक इसे फ्राई करके निकाल लेंगे। और थोड़ा सा ऊपर से इसे नमक डाल देना ताकि पनीर फ्राई करेंगे तो एकदम सॉफ्ट रहे। सारा पनीर ऐसे सॉफ्ट हो चुका था, मतलब फ्राई हो चुका था ब्राउन कलर का, सारा मैं निकाल ली हूँ। अब इसमें सब खड़ा मसाला डालेंगे। तो खड़ा मसाले में खड़ा मसाला अब नहीं डालेंगे। अब थोड़ा जो प्यूरी हम पेस्ट बनाएंगे ना, उसी ऑयल में, अगर कम पड़ गया होगा तो ऑयल थोड़ा और 1 चम्मच डाल देना। तो मैं उसी ऑयल में, ऑयल थोड़ा गर्म हो जाने के बाद मैं डाली हूँ उसमें 10-15 लहसुन डाल दी हूँ, लहसुन की कली। और थोड़ा सा वो ब्राउन हो जाएगा लहसुन, तो उसके बाद प्याज अदरक डाल देंगे और 2 हरी मिर्च कट करके डाल देना, नहीं तो फट जाएगा। ठीक है, ऐसे सॉफ्ट होने तक फ्राई करेंगे। फिर थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा तो कटे हुए प्याज भी तो हम डाल दिए थे, अब ये सब दोनों अदरक और प्याज थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा तो हम कटे हुए टमाटर, जो मैं दिखाई थी मीडियम साइज़ के छोटे छोटे टमाटर, वो टमाटर भी डाल देंगे। लेकिन पहले हम ऑनियन को मतलब ऐसे सॉफ्ट पकाएंगे, फ्राई करेंगे। तो ऑनियन और ये लहसुन भी देखिए, लहसुन भी ब्राउन हो चुका है, सब पूरा फ्राई हो चुका है। एक साथ हम नहीं डाल रहे हैं, पहले ये सबको पूरा फ्राई कर लेंगे तो अच्छा टेस्ट आता है। तो फ्राई कर ली हूँ लहसुन और ऑनियन को, अब इसमें टमाटर डाल देंगे काट कर, साथ में 10-15 काजू। ठीक है, ये थिक बनाता है और बहुत ही अच्छा लगता है। और ये धनिया पत्ता डाल दी हूँ मुट्ठी भर, देसी धनिया पत्ता, ये ऑप्शनल है। ठीक है, और नमक थोड़ा पिंच भर डाल देंगे बाद में, सब पूरा मिक्स करने के बाद। पूरा अभी सब मैं मिक्स कर ली हूँ, मीडियम फ्लेम में है, फ्लेम को थोड़ा मीडियम करके, इसे लो मीडियम करके, इसे मैं मिक्स करके अब इसमें थोड़ा सा नमक भी डाल दूंगी ताकि जल्दी टमाटर सॉफ्ट हो जाएगा। फिर इसे ढककर 2-3 मिनट के लिए इसे ढककर हम पकाएंगे। ठीक है, पहले मिक्स कर लेंगे। ये ग्रेवी इतनी अच्छी लगेगी, आप बना कर इसे देखिएगा। हर बार तो मटर पनीर बनाते हैं, ये ग्रेवी हर एक में काम आता है। तो अभी ढककर मैं पका रही हूँ 2-3 मिनट। देखिए 3 मिनट के बाद देखिए टमाटर पूरा सॉफ्ट हो चुका है। अब गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और ठंडा कर लेंगे। ठीक है, थोड़ा गुनगुना रहेगा तो मैं जार में इसे भर लूँगी और पीस लूँगी। और थोड़ा सा हल्का गर्म रहेगा तो 1-2 चम्मच पानी डाल देना, नहीं तो जार में पीसेंगे ना, इसलिए गैस का फ्लेम बंद कर देना। दूसरे प्लेट में भी निकाल सकते हो, नहीं तो थोड़ा सा ये गुनगुना रहेगा, फिर जार में भरकर 1-2 चम्मच ठंडा पानी डाल देना और फिर पीस लेना। बिना पानी डाले भी आप पीस सकते हो, मैं थोड़ा ठंडा पानी डाली हूँ, थोड़ा मेरा गर्म था ना, लेकिन मैं वेट की, पूरा ठंडा होने के बाद ही आप इसे पीसने का। तो देखिए अभी पूरा ये ठंडा हो चुका है, तो मैं पीस कर पेस्ट को रख ली हूँ। अब गैस को फिर ऑन करके बैठा दी हूँ दूसरा कढ़ाई। फिर इसमें 1 टेबलस्पून घी डाल देंगे आप, थोड़ा बटर डालना और 2 चम्मच ऑयल डालना, बहुत अच्छा लगेगा घी के बदले। ठीक है, अब यह गर्म हो चुका है तो अब डालेंगे खड़ा मसाला। अब इसमें 1 तेजपत्ता, 1 दालचीनी का स्टिक 1 इंच का और 2 हरी इलायची और 1 बड़ी इलायची, इसमें थोड़ा इलायची को ऐसे खोल कर डालेंगे। 2 लौंग ली हूँ, साथ में आधा जो स्टार फूल रहता है ना, आधा टुकड़ा मैं ली हूँ स्टार फूल, और आधा टीस्पून जीरा ली हूँ, ये सब डाल दूंगी। और इसे थोड़ा फ्राई कर लेंगे लो फ्लेम में ताकि इसका फ्लेवर पूरा जो घी में या ऑयल जो डाले हो उसमें आ जाए। तो अभी ये पूरा पक चुका है, फ्राई हो चुका है, खड़ा मसाला का फ्लेवर पूरा आ चुका है। अब जो हम पेस्ट बना कर रखे थे, जो पीसे थे टमाटर और काजू वाला, वो सारा पेस्ट इसमें डाल देंगे। ठीक है, और जार में जितना भी लगा है 1-2 चम्मच पानी डालकर इसे पूरा मिक्स करके इसमें डाल देंगे। पहले से मिक्स करेंगे और फ्लेम को लो कर देंगे, नहीं तो अभी पानी नहीं डाले हैं ना, तो ये काजू का पेस्ट है पूरा चिपक जाएगा, इसलिए फ्लेम को लो कर देंगे। और गैस और जितना भी जो जार में लगा था ना पानी, थोड़ा डालकर इसे थोड़ा मिक्स करके पूरा सारा डाल देंगे। फिर मीडियम फ्लेम कर लेंगे। फिर मसाला डालेंगे, 1/2 चम्मच तीखी लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर और 1 चम्मच किचन किंग मसाला। कलर लाने के लिए लास्ट में मैं 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दूंगी।
डेढ़ टेबल स्पून भी डाल सकते हो, माने डेढ़ चम्मच, 1.5 चम्मच, ठीक है। जीरा पाउडर 1.5 भी डाल सकते हो, मैं 1 चम्मच ही डाली हूँ, लास्ट में थोड़ा और भी डाल दी हूँ। ऐसे मसाला सब आप अपने स्वादानुसार थोड़ा थोड़ा सब में से डाल देना, और सभी को मिक्स कर लेंगे। और फिर 2-3 मिनट पकने के बाद देखिए अच्छे से पूरा मिक्स करेंगे, बस 2-3 मिनट ही पकेगा ये। देखिए उबाल आ चुका है, ये मसाला पूरा अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। और फिर अभी इसमें 1/2 कप गर्म पानी डाल देंगे, बहुत ठीक लग रहा है ना, तो 1/2 कप गर्म पानी डालना ज़रूरी है, ठीक है। तो पूरा भी सब ये गर्म पानी डाल देंगे तो क्या प्रोसेस थोड़ा जल्दी हो जाएगा, नहीं तो ठंडा पानी डालोगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, गर्म पानी तुरंत डाल देंगे तो जल्दी ग्रेवी पक जाता है और अच्छा भी लगेगा। तो 1/2 कप मैंने यहाँ पर डाला है, आप चाहो तो 1/2 कप से भी कम डाल सकते हो, ठीक है, क्योंकि अगर पकाते पकाते ठंडा हो जाएगा ना तो और ठीक हो जाता है, इसलिए 1/2 कप मैं पानी डाली हूँ। आप अगर तुरंत खाना चाहोगे तो 1/4 कप पानी डाल देना। तो देखिए एक उबाल आ चुका है, पूरा मिक्स कर लेंगे, 1/2 कप पानी डालकर पूरा मिक्स कर लेंगे, एक उबाल आ जाएगा तो 1/2 कप फ्रोजन मटर डाल देंगे, नहीं तो 1 कप भी फ्रोजन मटर होगा तो डाल सकते हो। फिर साथ में पूरा थोड़ा सा अच्छे से जो फ्राई किए थे पनीर वो अभी डाल देंगे सारा। देखिए कितना सॉफ्ट है ये नमक डालने की वजह से, थोड़ा सा ऊपर से पिंच भर नमक डालकर इसे फ्राई कर लोगे ना तो पनीर बहुत सॉफ्ट रहता है, हार्ड नहीं रहता है, उसे पानी में डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, ऐसे थोड़ा नमक डालकर फ्राई करोगे तो। तो देखिए मटर और पनीर भी सब डाल दी हूँ, अब इसे क्या करेंगे स्वादानुसार नमक डाल देंगे, नमक तो नहीं डाले थे, ग्रेवी को देखकर नमक डाल देंगे पूरा। फिर मिक्स करके 2 मिनट ढककर और इसे कुक करेंगे, देखिए कितना ठीक लग रहा है ना, और जब ये पकेगा तो और ठीक हो जाएगा, ठंडा होने के बाद तो और ज़्यादा मतलब ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है। तो देखिए अभी पूरा 2 मिनट इसे ढककर पकाएंगे, 2 मिनट के बाद मटर पनीर अपना रेडी है। अब घर पर इस तरह से मटर पनीर एकदम होटल से भी स्वादिष्ट मटर पनीर बनाइए और खाइए। अब देखिए पूरा प्रिपेयर हो चुका है, अब थोड़ा 1 चम्मच में क्रीम डाल दूंगी, ये ऑप्शनल है, घर पे तो खाते हैं तो ऐसे क्रीम वगैरह तो हम डालते नहीं हैं, फिर भी अगर होगा तो क्रीम डाल देना और अच्छा लगेगा थोड़ा, और टेस्ट अच्छा आएगा, नहीं तो ऊपर से बटर डाल देना मेल्ट किया हुआ, ठीक है। तो ये सब फाइनल हो चुका है, इस तरह ही आप करिए और होटल का मजा लीजिए घर पर बनाकर, ठीक है। अगर क्रीम भी नहीं होगा तो काजू का पेस्ट भी आप बनाकर 1 चम्मच काजू का पेस्ट डाल सकते हो, और नहीं तो बटर डाल दोगे तो सबसे बेस्ट है। तो देखिए पूरा भी प्रिपेयर हो चुका है, गैस का फ्लेम मैं बंद कर दी हूँ, देखिए कितना अभी ठीक हो गया है ना, और गर्म है, और जब ये पूरा ठंडा हो जाएगा ना और पूरा ठीक हो जाएगा, इसलिए 1/2 कप पानी एकदम परफेक्ट है। तो अभी मैं सर्व कर रही हूँ, और फिर इसे आप रोटी के साथ, पूरी के साथ, या तो चावल के साथ, आपको जिसके साथ भी खाना पसंद है सर्व करिए ये पनीर और मटर की ग्रेवी, और आप खाइए। और ऐसे ग्रेवी आप बना कर रखिएगा, किसी भी सब्जी अगर बनाते हो तो ग्रेवी आप बना कर मतलब ऐसे पेस्ट रखे रहोगे फ्रिज में, थोड़ा निकाल कर ग्रेवी में डाल दोगे तो बहुत स्वादिष्ट बनेगी आपकी सब्जी। तो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, ठीक है फ्रेंड्स, बाय बाय।